नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और ये है दी ललन टॉप की खास पेशकश नेता नगरी, जिसमें हम हफ्ते भर की सियासी सुर्खियों के बारे में बात करते हैं। पहले सुर्खियां बता देते हैं साथ, फिर बातचीत होगी। पहली सुर्खी, आजम खान ने पीठासीन अधिकारी रमा देवी पर विवादित टिप्पणी की और उसके बाद से सदन में हंगामा है। हर कोई कह रहा है स्पीकर ऐसी सजा दें नजीर बने। दूसरी सुर्खी, तीन अहम बिल लोकसभा में पास हो गए हैं, यूएपीए बिल, आरटीआई बिल और ट्रिपल तलाक बिल। इसमें आरटीआई बिल को लेकर एक्टिविस्ट खासे नाराज दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार से। तीसरी खबर, येदुरप्पा आखिरकार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन गए हैं, यानी कि एचडी कुमारस्वामी की गठबंधन सरकार चली गई, जो भी पूरा खेला हुआ उसके बारे में बात करेंगे। चौथी खबर, शीला दीक्षित, दिल्ली की 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित, उनका बीते दिनों निधन हो गया। इसके अलावा बात करेंगे चिट्ठी की, सेलिब्रिटीज ने सिनेमा से जुड़े ज्यादातर चिट्ठी लिखी, नरेंद्र मोदी को लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने को कहा, और फिर आज एक चिट्ठी आती है शुक्रवार के रोज और उसमें कहा जाता है कि ये लोग सिलेक्टिव एक्टिविज्म कर रहे हैं, अलगाववादियों की हरकतों पर चुप क्यों रहते हैं। बात करेंगे ट्रंप के दावे की, इमरान खान से बातचीत के दौरान कश्मीर पर मध्यस्थता का, और उसके बाद विपक्ष हमलावर होता है, सरकार क्या सफाई देती है, और आखिरी में बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी की, उनके भविष्य की, उनके टेरिटोरियल आर्मी में जाने की और आम्रपाली ग्रुप से जुड़े उनके विवादों की। और इन सब मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राजदीप सरदेसाई। नमस्कार। अगवा रंग में बिल्कुल, क्योंकि पिछले हफ्ते मुझे लगता है मैं नीले रंग में था, उसके पहले हरा, मैं हर हफ्ते नया रंग लेकर आऊंगा। नया रंग लेकर आएंगे, रंग तो आप नए लाते हैं जी। ये आजम खान बार बार संसद की, संविधान की दुहाई देते हैं, शेरो शायरी की बातें करते हैं, लेकिन चुनाव में भी भद्दे बयान दिए जयप्रदा के खिलाफ, ब्यूरोक्रेसी को लेकर लगातार घटिया बयान देते हैं, भू माफियाओं का जो पोर्टल है उस पर उनका नाम दर्ज हो गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के जमीन हथियाने के जौहर विश्वविद्यालय के नाम पर इल्ज़ाम है, और अब लोकसभा में पीठासीन अधिकारी रमा देवी के खिलाफ ये टिप्पणी और माफी मांगने से इनकार। देखिए, आजम खान पुराने पापी हैं, बार बार इस तरह की बात करते हैं, विवादास्पद बयान उन्होंने कई सालों तक दिया, आज कारगिल दिवस है, 20 साल हो गए, यही आजम खान ने कहा था कि मुसलमानों ने ही, जो जितने भी हमारे सैनिक जवान थे सब मुस्लिम थे, क्यों, क्या वजह है, कहीं ना कहीं वो चाहते थे उसके साथ एक सांप्रदायिक एक बूट जुट जाए, ताकि उनका वोट बैंक एक तरह से वो मजबूत करना चाहते थे, किसी ने उनको सबने नजरअंदाज कर दिया। अब क्या है, वो अपनी रामपुर की हवेली वाली या जो उनका फिफ्टम माना जाता है, उनका किला माना जाता है, उसी तरह की राजनीति अब संसद में ला रहे हैं, और वो समझते हैं वो बड़े शायर हैं। अरे आप सांसद हैं, आप इस तरह से अगर रमा देवी के साथ शायरी करना चाहते हैं तो आप क्या वहां बैठकर लोकसभा में सब सुनेंगे आपकी बात? रमा देवी ने खुद कहा मैं बहुत आहत हूं। देखिए ये क्या है, एक पुरुष परंपरा तो है ही, ये जानिए आप, ऐसा नहीं है कि आजम खान के अलावा कोई और नहीं है, वहां कई हमारे सांसद है जो मैं देख रहा था हंस रहे थे। आज आप आजम खान को हम कटघरे में रख रहे हैं, सही है, कटघरे में रखना चाहिए, लेकिन आप जानिए जब वो कह रहे थे सब हंस रहे थे। ये एक तरह से ये एक परंपरा है, पुरुष परंपरा इस देश में अभी भी है, जिसका प्रतीक एक तरह आजम खान है, जो अपने आप को एक तरह से बड़े नेता समझते हैं। उनका नाम जैसे आपने कहा भू माफिया में आ गया है, उन्होंने एक बार मुझ पर कार्रवाई करके मुझे यूपी असेंबली बुलाया था, क्योंकि अच्छा? हमने स्टोरी उन पर की थी, उनके क्या था वो प्रकरण, उनको जमीन का विवाद लेकर कई सालों पहले हमने स्टोरीज की थी लगातार, उन्होंने डिफेमेशन केस भी लगाया था, और फिर हमें वो मुझे लगता है स्पीकर या कुछ थे यूपी असेंबली में, वहां करके कहा नहीं आपको वहां आना है और जवाबदेही देनी है। फिर क्या हुआ था वहां एंड में, वो सुलझाया गया लास्ट मोमेंट में, सब जो बाकी नेताओं ने बात करके हमें पेशी तो नहीं, हम गए असेंबली में लेकिन अंदर तो नहीं जाना पड़ा। वो हमें एक देखिए, आजम खान को लगता है कि वो एक पुराने कोई नवाब अब रामपुर है, कोई नवाब, नवाब तो चले ही गए, लेकिन उसके साथ जो अदा के साथ आते हैं, और प्रॉब्लम क्या है, ऐसे नेता चुनाव जीतते हैं जो अशब्द भाषा आज करते हैं। आजम खान के आप कितने नेताओं को आज देखिए किस तरह की बातें करते हैं, ना केवल महिलाओं के बारे में। मुझे दुख हुआ कि अखिलेश यादव ने उनका बचाव किया, मुझे लगा अखिलेश यादव कम से कम आजम खान को टोकते उस समय, पर कौन टोकेगा,
और मैं कहता हूं सरकार हो या विपक्ष, उसमें मैं देख रहा था सांसद, आप देखिए उसका वीडियो, हंस रहे हैं लोग। आज तो सब एक तरह से आजम खान को सॉफ्ट टारगेट बनाया है आज के दिन में, लेकिन उस दिन कई लोग मैंने देखा जो जो हंस रहे थे, और ये गलत है। क्या सजा मिलनी चाहिए, स्पीकर तो तय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कम से कम उनको माफी तो मांगनी पड़ेगी। तो अड़े पड़े कह रहे हैं मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर माफी नहीं मांगी तो मुझे लगता है देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सस्पेंशन कर दीजिए एक सेशन के लिए, कर दीजिए। देखिए जब तक और सस्पेंशन से भी कुछ होने नहीं वाला आजम खान जैसे व्यक्ति को, वो बैठेगा रामपुर में, मजा करेगा, आएगा नहीं पार्लियामेंट। लेकिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक सिंबॉलिक हो, एक प्रोटेस्ट तो होना ही चाहिए, या तो सब महिलाएं उन्हें घेर ले और उन्हें कहे आजम खान आप माफी मांगिए रमा देवी से। जहां तक मजे की बात है राजदीप, आंजनेय कुमार सिंह डीएम है रामपुर के, खासे सख्त हैं, नींद हराम कर रखी है, तो आजम खान के रामपुर में भी मजे नहीं हो रहे हैं फिलहाल। हाँ, आजकल मैं देखता हूँ वो लाली उनके गालों पर नहीं है पुरानी। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कई बिल इंट्रोड्यूस हुए, डेरेक ओब्रायन ने तो कह दिया सरकार को बड़ी जल्दी है रिकॉर्ड बनाने की। सदन में काम हुआ, ये एक अच्छी चीज़ है, इस सत्र में खूब काम हुआ है। आरटीआई में जो संशोधन हो रहे हैं दो सेक्शन को लेकर, खासतौर पर ये कि जो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त हैं वो अब सरकार जब तक चाहेगी तब तक उनका कार्यकाल रहेगा। पहले ये होता था कि वो 65 साल के हो जाएं या 5 साल, तो एक एश्योरिटी रहती थी और एक फेयर ट्रायल होता था। लोग कह रहे हैं कि अब इनकी सरकार पर निर्भरता रहेगी, इसलिए सरकार के खिलाफ सख्त फैसले नहीं देंगे। पहली बात, आपने कहा संसद में बहुत काम हो रहा है, ये काम हो रहा है ये दिखता है क्योंकि बिल पास हो रहे हैं जी। बहस कहाँ है, डिबेट कहाँ है, डिस्कशन कहाँ है, बहुत कम हो रहे हैं। एक असद ओवैसी को छोड़ के, महुआ मित्रा को छोड़ के बहुत कम लोग, शशि थरूर को छोड़ के विपक्ष से बहुत कम लोग दिखते हैं जो वाकई सरकार को सवाल पूछ रहे हैं। डिबेट नहीं हो रहा है, सरकार ने डिसाइड किया है हमारी अब मेजोरिटी है, हम जो चाहे कर सकते हैं, और यहीं से आरटीआई का सवाल आता है। राइट टू इंफॉर्मेशन पर आपने संशोधन किए हैं, उस पर कम से कम थोड़ी बहस तो होनी चाहिए। बहस के बाद कभी कभी सिलेक्ट कमिटी में भेजना इसका मतलब नहीं है कि बिल को आप खारिज कर रहे हैं या हमेशा डिले ही हो रहा है। उसमें बेहतर कर सकते हैं। आज क्या कह रहे हैं आप कह रहे हैं जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो हमारे सरकारी बाबू की तरह बन गया है, उसको हम डिसाइड करेंगे कि नौकरी की सैलरी क्या होगी, कितनी उसकी ड्यूरेशन होगी। एक यानी एक तरह से इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है अब सरकार का मुलाजिम अगर बने तो वो सरकार को कटघरे में कैसे रखेगा। आरटीआई का वही मतलब था कि जनता के साथ आप जुड़े ना कि सरकार के। और मुझे लगता है गुजरात मॉडल अब दिल्ली आ गया है, ये गुजरात में वही होता था। नहीं, क्योंकि देखिए वहां की जो विधानसभा की आप कार्यकाल देखिए, यही होता था, कोई बहस नहीं। अगर कोई एमएलए ज्यादा बात करे उसे सस्पेंड भी कभी कभी किया जाता था अगर वो जोर जोर से अपनी बात रखने की कोशिश करे। कितने बिल्स वहां बगैर बहस के पास हुए, पिछले लोकसभा में बजट पास हुआ बगैर डिस्कशन के, कैसे हो सकता। लोकसभा का मतलब है लोगों की सभा, जनता की सभा, वाद विवाद संवाद। और हर बिल को इस तरह से बगैर बहस के अगर आप पुश थ्रू कर दे, बगैर सिलेक्ट कमिटी को भेज, हाँ मैं मानता हूं कि वहां भी एक समय सीमा होनी चाहिए कि 3 महीने में अगले सेशन तक आप बिल पेश करिए। और हर इशू पर विपक्ष ने सरकार को इस तरह से टक्कर नहीं देनी चाहिए, ये मैं मानता हूं। लेकिन साथ साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोकसभा में जान नजर नहीं आती। अच्छा, तो आप कह रहे हैं काम हो रहा है, लेकिन काम ऐसे हो रहा है कि लोग जानते हैं कि आखिर में एंड में एक ही तरफा बन गई है पूरी, एक तरफा राजनीति हो। सरकार को जो मर्जी वो तय करे, शासन का अधिकार मिला है, पर कम से कम सब लोगों को अपनी बात कहने का लोकसभा में हक हो और वो दर्ज हो रहा है, वो हो रहा है, ऑन रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि सरकार पर बहस नहीं हो रही, राइट पर असली बहस नहीं हो रही। मैं 20 साल पहले या 25 साल पहले अब हो गए जब मैं पहले आया दिल्ली, क्या क्या एक एक पार्लियामेंटेरियन हुआ करते थे, वाजपेयी जी से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस, सोमनाथ चैटर्जी, चंद्रशेखर खड़े होते थे। हाँ, जब वो खड़े होते थे, जब जॉर्ज खड़े होते थे पार्लियामेंट में, सब गैलरी में चले जाते थे। आज कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको देखने के लिए आप गैलरी चले जाएंगे। हो गया वो जमाना, खत्म हो गया पत्रकारिता की तरह। एक जमाने में पत्रकार जब लिखते थे, एडिटर लिखते थे, हम देखते, अरे बाप रे इनकी बाईलाइन है, दम था बाईलाइन में। आज कहां दम रह गया बाईलाइन में, उसी तरह से हो गया सब चीज। आप वो बात किसी और दिन करेंगे पत्रकारिता के बारे में, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। ट्रिपल तलाक बिल सरकार ने फिर पास कर दिया है,
ओवैसी ने फिर विरोध कर दिया है, अब फिर से राज्यसभा में पहुंच गया। देखिए मुझे लगता है कि ट्रिपल तलाक बिल आना चाहिए, ये कानून आना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो सेफगार्ड है वो भी आने चाहिए। शशि थरूर ने इस पर अच्छी बात की, उन्होंने कहा जो अपराधीकरण जिस तरह से आप कर रहे हैं, क्रिमिनलाइज कर रहे हैं एक तरह से शादी विवाह को, उस पर थोड़ा नजर डाल के थोड़े सेफगार्ड्स रखिए। मुझे नहीं लगता, जैसे अगर ओवैसी कल कहे कि इस्लाम के विरोधी है, ये क्या बात हुई? मैं इस बात से बिल्कुल नहीं, और वो भी ये देश इस्लाम से नहीं संविधान से चल रहा, बिल्कुल इस्लाम और हिंदू से नहीं चल रहा। ये देश संविधान से चलेगा। अगर महिलाओं को आपको सुरक्षा देनी है तो आपको देनी चाहिए, अगर आपकी जो आज का कानून नहीं दे पाता है तो एक लॉ आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि ट्रिपल तलाक जो है वो गैरकानूनी है। मुझे लगता है कि इस बिल को पास करना चाहिए, पर सेफगार्ड्स होने चाहिए, क्रिमिनलाइज ना करें। आप अगर कहेंगे कि 2 साल जेल में चले जाओगे तो उससे डर है कहीं कि उसका मिसयूज हो सकता है, और इसीलिए सेफगार्ड्स होने चाहिए और इस पर बहस होनी चाहिए। क्योंकि ट्रिपल तलाक के केस तो लगातार आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है कि अगर मैं कहूं सेफगार्ड होने चाहिए तो आप कहेंगे नहीं नहीं आप किसी एक समुदाय विशेष समुदाय को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये बात नहीं है, हम संविधान के अनुसार चल रहे हैं। जो हिंदू पुरुषों के लिए होना चाहिए और मुस्लिम पुरुषों के लिए होना चाहिए, एक साथ एक तरह से बगैर इस्लाम हिंदुइज्म को देखते हुए केवल संविधान को देखना चाहिए। और एक ना एक दिन यही राह में इसी बहस से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ चलेंगे। संविधान का आपने जिक्र किया, तीसरी खबर संविधान से जुड़ी हुई। बीएस येदियुरप्पा ने संविधान की शपथ ले ली है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री आखिरकार बन गए, और इसी में ये निहित है कि एचडी कुमारस्वामी फ्लोर टेस्ट हार गए हैं। पर अभी भी जो स्पीकर हैं रमेश कुमार, उनका खेला फिलहाल तक जारी है। उन्होंने 3 विधायकों को 2023 तक के लिए सस्पेंड कर दिया है, अयोग्य घोषित कर दिया है। कर्नाटक में नाटक चल रहा है, और यही हर दिन कोई नया कलाकार आता है। एक दिन रमेश कुमार होता है, सिद्धरमैया होता है, येडियुरप्पा जी होते हैं। देखिए जिस तरह की त्रिशंकु विधानसभा पिछले साल हुई, उसके बाद एक अस्थिरता थी कर्नाटक में, और उसका हर एमएलए मंत्री फायदा उठा रहा है। हर कह रहा है कि देखिए मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा अगर आप मुझे इतने पैसे दें या ये मंत्री पद दें। कोई किसी को वहाँ विचारधारा से लेना देना नहीं है। आज येडियुरप्पा किसको ले, उनके मंत्री सब जो पुराने कांग्रेस के थे वो उनके मंत्री बनेंगे। वहाँ ना कांग्रेस और बीजेपी में जो दरार एक विचारधारा की जो डिवीजन होनी चाहिए वो आज कर्नाटक में नहीं है। अब रमेश कुमार ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा ना केवल मैं आपको डिस्क्वालीफाई कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं इस पूरे संसद के 5 साल में आप एक बार फिर चुनाव नहीं लड़ सकते। तो उन्होंने अपना एक नया गूगली डाल दिया ताकि लोग डर जाए कि कहीं मैं डिफेक्ट ना करूं, नहीं तो ये मुझे डिस्क्वालीफाई कर दे। और स्पीकर भी पक्षपात कर रहा है, गवर्नर भी इस पर आरोप है कि वो पक्षपात कर रहे हैं। यही तो डर है, मुझे लगता है कि हम संविधान को ना देखते हुए हम बस सत्ता चाहते हैं। ये सत्ता की लड़ाई है जिसमें आज येडियुरप्पा जीत गए, कल कौन जाने कौन बनेगा। पिक्चर अभी बाकी, पिक्चर बाकी है आपकी। तो लुटियंस रैली में कई नेताओं से पत्रकारों से बात होती है, कई लोगों ने कहा कि येदियुरप्पा नरेंद्र मोदी की पहली पसंद नहीं है कर्नाटक के लिए। हाँ पहली पसंद नहीं, 77 साल के हो रहे हैं, यानी धीरे धीरे मार्गदर्शक मंडल की तरफ चल रहे हैं। इसीलिए वो जल्दबाजी में थे कि कहीं प्रधानमंत्री मुझे फोन करके ना कहे येदियुरप्पा जी किसी और को बनाते हैं। तुरंत आज सुबह चले गए गवर्नर के पास और कहा नहीं नहीं मुझे न्योता दे दो। देखिए येदियुरप्पा पुराने खिलाड़ी है और आज भी बीजेपी के कर्नाटक के नंबर वन नेता है। उन्होंने ही बीजेपी को वहां खड़ा किया है, कई सालों से वो मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनती हैं। कभी कभी मैं नेताओं को देखता हूँ, हम अक्सर नेताओं को पर आरोप लगाते हैं, लेकिन उनकी मेहनत जो है ना असली मास लीडर होता है। सुबह से शाम रहते, पॉलिटिकल एनिमल जिसे कहते हैं, या एक जंगल में जो एक तरह से पॉलिटिकल जानवर है वो है बीएस येदियुरप्पा। 77 साल की उम्र में अभी भी मैं जवान हूँ कहते हैं। भाजपा के सारे नेताओं के लिए जो शीर्ष पर है ये बात कही जा सकती है, नॉट लाइक कांग्रेस। सर ये देखिए, ये कांग्रेस में भी शरद पवार जो पुराने कांग्रेसी हैं, 78 साल के, आप देखिए अभी भी उनमें दम है, उस आदमी में अभी भी दौरे कर रहे हैं, महाराष्ट्र के चुनाव आ रहे हैं, अभी भी दौरे पर निकल गए हैं। चलिए शीला दीक्षित चली गई। शीला दीक्षित कैसे याद किया जाए, कई तरीके हैं याद करने के। शीला दीक्षित उमाशंकर दीक्षित की बहू, जिनके पति आईएएस थे, यूपी काडर में थे। शीला दीक्षित जो उस फ्लाइट में मौजूद थी जिस फ्लाइट में प्रणब मुखर्जी और राजीव गांधी मौजूद थे, उमाशंकर दीक्षित उन दिनों पश्चिम बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, और शीला के पास ही वो संविधान की कॉपी थी जिसमें देखा गया कि प्रोविजन क्या है।
शीला दीक्षित जो एक कार बॉम्ब में मरते मरते बची थी पंजाब में, शीला दीक्षित जो यूपी में चुनाव लड़ने गई, पहले जीती लेकिन उसके बाद लगातार हारी, शीला दीक्षित जिन्होंने नरसिम्हा राव के ज़माने में कांग्रेस छोड़ दी, शीला दीक्षित जिन्हें सोनिया गांधी दिल्ली लेकर आई और लोगों को लगा कि ये तो वॉकओवर दे दिया है बीजेपी को, और फिर शीला दीक्षित आई सत्ता में तो 15 बरस लगातार, और फिर खूब सारे इल्ज़ाम, कॉमनवेल्थ घोटाला और कई घोटाले। एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर, आपने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर सुना होगा, शीला दीक्षित को हम एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर कह सकते हैं। 98 साल में देखिए, लोकसभा के चुनाव होते हैं, पूर्व दिल्ली से लड़ती है, हार जाती है, कांग्रेस सभी सीटों में हारती है, उसके 6 महीने बाद वो मुख्यमंत्री बनती है, सुषमा स्वराज जैसे बड़े नेता हार जाती है जो बीजेपी की मुख्यमंत्री बनी थी तब जी। और फिर किसी को ये पता ही नहीं था कि शीला दीक्षित कौन है, असली बात है। 98 में जब वो आई, ऐसा नहीं था कि कोई उनका दिल्ली से कोई पुराना नाता था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक, मुझे लगता है 21वीं सदी की दिल्ली के लिए शीला दीक्षित सही समय पर सही जगह पर थी। दिल्ली बढ़ रही थी, नई आबादी आ रही थी, नए लोग आ रहे थे, माइग्रेंट पॉपुलेशन अलग अलग जगह से, मिडिल क्लास बढ़ रहा था दिल्ली का, केवल पंजाबी मिडिल क्लास नहीं था, वो चाहता था कि नई सुविधाएं आए। शीला दीक्षित बिल्कुल दिल्ली में कूद गई एक तरह से, दिल्ली की राजनीति में। और आप ये समझिए, मिरांडा हाउस, अंग्रेजी बोलने वाली महिला, वो एक पंजाबी जो गुटबाजी है कांग्रेस में, उसमें वो एक तरह से सक्रिय रही, मानना पड़ेगा शीला दीक्षित। एचकेएल भगत, सज्जन कुमार जैसे तमाम घायों को किनारे करते हुए बिल्कुल। और मैं ना, हम लोग कहते हैं कि अंग्रेजी बोलने वाले आजकल राजनीति नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन आपको राजनीति में पढ़ना पड़ता है। शीला दीक्षित बड़ी चतुर राजनेता थी, जानती थी हवा किस तरफ चल रही है, ये आप जानिए, और ये उनकी शैली भी थी। लोगों को लगा आंटी नंबर वन दिल्ली की, सबको साथ लेकर जाती थी, लेकिन उस आंटी में भी दम था, चाची भी थी वो। मुझे लगता, इल्जाम लगे, देखिए इल्जाम देखिए आखिरी कार्यकाल में घोटालों के इल्जाम लगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ये दिखा पाया कि शीला दीक्षित ने खुद कहीं पैसे लिए हैं। ये हो सकता है लापरवाही हुई, ये हो सकता है कि उस जमाने में जब सुरेश कलमाड़ी कॉमनवेल्थ गेम चला रहे थे, दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से उनको एक तरह से सहायता दी, उसमें कई चीज़ों पर सवाल उठे हैं। लेकिन देखिए, मैं गया था उनको उनके घर, उनके देहांत के बाद घर वही है जो पहले था 20 साल पहले, मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा। निजामुद्दीन में हुमायूं टूम के बिल्कुल सामने, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। जब कभी हम देखते हैं राधा, और बड़ी बड़ी परिवार से भी आती थी, और मुझे लगता है शीला दीक्षित को हमने इस नज़र से देखना चाहिए कि अगर आपको लाइफ में मौका मिले, मौके का चौका उठा दो, मौके पे चौका। उनको मौका मिल गया, सोनिया गांधी ने उनको वो मौका दिया, बगैर सोनिया गांधी की वो लीडर भी नहीं बन पाती, वो गांधी फैमिली से जुड़ी हुई थी इसलिए लीडर बनी, लेकिन मौके का फायदा उठाया। मौका जब मिले ना लाइफ में सौरभ, चौका हमेशा मारो, कौन जाने कब मौका कहां मिले किसी को। संदीप दीक्षित को कोई मौका मिलेगा खत्म? मुझे नहीं मालूम कि संदीप, देखिए दिल्ली की राजनीति बदल गई है, दिल्ली बदल गया है, आम आदमी पार्टी ने एक बदलती आम आदमी ने पार्टी, दिल्ली जैसे बदलता गया, जैसे झुग्गी झोपड़ियां बढ़ती गई, आम आदमी पार्टी ने उसका फायदा उठाया। शीला दीक्षित को पता भी नहीं चला, उनको लगा वो पुराना दिल्ली एक तरह से 2001-2002 का है। दिल्ली बहुत जल्दी बदलता रहता है, स्टेटमेंट दिए जा रहे थे 2013 में, और फिर बिल्कुल दिल्ली बहुत जल्दी बदलता रहता शहर है। ये मुझे लगता है आज की तारीख में देश का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है एक तरह से। चलिए, एक ग्रो हुई कंट्रोवर्सी, इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप मिले, बड़बोले झूठे डोनाल्ड ट्रंप ने, बोले साहब हमसे तो मोदी ने कहा था मध्यस्थता करने को, और यहाँ बवाल कट गया। राहुल गांधी जो पता नहीं कहाँ हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया जहाँ कहीं है वहाँ से कि जवाब दें प्रधानमंत्री। मुझे लगता है जब विदेश मंत्री ने आके पूरी गंभीरता से जवाब दे दिया है कि इस तरह कोई बात नहीं हुई, तो फिर इस पर इतना गतिरोध होना चाहिए था क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता इतना गतिरोध होना चाहिए था इस पर। और मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप जो है गोली मास्टर नंबर वन है, गोली देने में बहुत बड़े माहिर हैं। हमारे यहाँ भी कई नेता ऐसे हैं, मैं उनका नाम आज नहीं लूँगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जरूर इस पर मास्टर है। और उन्होंने, मुझे लगता है ये बड़े सोच समझ कर किया। देखिए इमरान वहां हीरो बन गए पाकिस्तान में, आप देखिए कि किस तरह से लोग वहां उनकी जय जयकार कर रहे हैं। इमरान ने पाकिस्तान का दावा जोर से रखा था कि ट्रंप ने इमरान को खुश कर दिया,
इमरान अफगानिस्तान से अपनी फौज वापस बुलानी है। हाँ, और जो भी पाकिस्तान चाहता था एक तरह से, उन्होंने उनको एक अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ करेंगे पाकिस्तान के लिए। अब आप देखिए, मोदी जी भी जाने वाले हैं व्हाइट हाउस सितंबर में, वहां भी ट्रंप इसी तरह से अपनी कुछ गोलीबाजी करेंगे। अब प्रॉब्लम है, ट्रंप जैसे नेता को आप विश्वास कैसे करें? एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ और कहते हैं। वो डील मेकर है, वो पाकिस्तान के साथ आज डील करना चाहते हैं तो इमरान को खुश करेंगे, कल आपके साथ डील करना चाहते हैं आपको खुश करेंगे। हमें ट्रंप को बड़े सोच समझ कर एक तरह से राजनीति करनी पड़ेगी, और मुझे लगता है विपक्ष ने इस पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, तवज्जो नहीं। लेकिन मेरी और एक बात है, हाँ, कि अगर कल कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता हो, क्यों नहीं, दुनिया बदल रही है। अगर अमेरिका वो कर पाए जो भारत और पाकिस्तान नहीं कर सकता, क्योंकि भारत और दिल्ली और इस्लामाबाद में रिश्ते इतने कठोर हो गए हैं, अगर अमेरिका कल हमें कहें चलिए आप बस हम आपको हाफिज सईद और दाऊद दिला देते हैं, आप पाकिस्तान से बात करिए कश्मीर पर, क्यों नहीं करनी चाहिए। पर राजदीप, ये तो भारत का हमेशा से स्टैंड रहा है कि हम बातचीत के खिलाफ नहीं, लेकिन वो आतंकवाद को स्पॉन्सर करना बंद करे। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर कल अमरीका अपना पूरा दबाव डाल दे पाकिस्तान पर और पाकिस्तान को कहे आप हाफिज और दाऊद को वापस करिए, फिर हम मध्यस्थता करेंगे, या फिर हम आपको भी हेल्प करेंगे और भारत को हेल्प करेंगे और आतंकवाद आप बंद कर लीजिए। अगर अमेरिका वो कर पाता है जो हम नहीं कर सकते इस समय, तो उस पर प्रॉब्लम क्या है? और जो हमारा स्टेटेड पोजीशन है, अरे स्टेटेड पोजीशन बदलते रहते हैं बॉस, ये बदलते रहते हैं, लेकिन आज की तारीख में ट्रंप को बड़े सोच समझ कर हमें राजनीति करनी पड़ेगी। सोच समझ के चिट्ठी लिखी, पहले 49 लोगों ने चिट्ठी लिखी और बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि जय श्री राम युद्ध उन्माद के नारे जैसे बन गया, उसका इस्तेमाल गलत ढंग से हो रहा है, आंकड़े दिए कई और कहा गया कि लिंचिंग के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, आप एक सख्त कानून बनाइए। उसके बाद उसके दो दिन बाद फिर कई दर्जन फिल्म सेलिब्रिटीज़ का खत आता है जिसमें पहले वाले जो खत लिखने वाले उनकी आलोचना की गई थी। हमने यहीं पे अनुराग कश्यप से बात भी की थी इस मसले पे, तो अनुराग ने कहा था कि मुझे तो अपर्णा सेन ने खत भेजा था और कहा था कि अगर आप सहमत हो तो दस्तखत करें, एंड आई वाज ओके विद इट, इसलिए मैंने दस्तखत किए थे और मेरा कंसर्न, और क्या मैं अपने पीएम को चिट्ठी नहीं लिख सकता? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए एक जमाने में जब चिट्ठी लिखी जाती थी वो प्राइवेटली लिखी जाती थी, जब इंदिरा गांधी जयप्रकाश नारायण को लिखते थे, यार प्रधानमंत्री नेहरू अपने मुख्यमंत्रियों को लिखते थे, आज सब पब्लिक हो गया है, खुला खत ओपन लेटर, ताकि उससे विवाद हो, उससे डिबेट हो। और मैं देखता हूँ ये समाज जो है बट गया है, एक दिन अपर्णा सेन, रामचंद्र गुहा वगैरह, अरुणा कश्यप लिखते हैं तो अगले दिन प्रसून जोशी, कंगना रनौत दिखते हैं, और लोगों को कहा जाता है कि आप कंगना के साथ है या अपर्णा के साथ, आप प्रसून के साथ है या अनुराग के साथ, ये नहीं चलेगा मुझे लगता है। देखिए संवाद का जमाना है, आप अपनी बात रखिए, फ्री स्पीच का जमाना है, आपको हक है कि आप अपनी बात रखिए। लेकिन ये जो है, ये मुझे जो बात अच्छी नहीं लगी कि जब अपर्णा सेन चिट्ठी लिखती है तो फिर आप उन पर उनको क्या कहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, उनको कहते हैं कि आप अर्बन माओइस्ट हैं। आज जब सोनाल मानसिंह या प्रसून जोशी लिखते हैं, मैं उनको कहूं कि आप संघी हैं, आप भक्त हैं, ये आज कोई कहेगा नहीं। तो मुझे लगता है ये जो नेम कॉलिंग है ये बंद होनी चाहिए। और असली बात जो है, जो मुझे बुरा लगता है, मरता कौन है ये लिंचिंग में, कौन मर रहा है? ये कोई छोटा व्यक्ति, कोई लेबरर, कोई जिसे दिहाड़ी कर रहा है उस पर लाठी चलती है, उसे लिंच किया जाता है, दलित हो, मुस्लिम हो, या किसी भी समाज का हो। ठीक है, जब आज मैंने ये सोनाल मानसिंह को कहा दलित मुस्लिम तुम हिंदू क्यों नहीं कह रहे, मैंने कहा ज्यादातर जो लिंचिंग में आज मर रहे हैं, काउ लिंचिंग, गौ हत्या की वजह से, वो मुस्लिम और दलित हैं, इसलिए मैंने कहा हाँ ये सही है। ये देखिए ये कब तक चलेगा? मुझे लगता है इन ये जो हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स या जो भी है ना, थोड़ा जमीन से जुड़ जाए और आए और देखे हकीकत क्या। और लिंचिंग पे कानून बने, क्या समस्या है? अरे बने, और मैं तो कहता हूँ सोनाल मानसिंह और अपर्णा सेन बैठे बातचीत करें और इससे बात आगे निकाले, मेरे शो पर आ जाए दोनों साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लीजिए आखिरी खबर, महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी हुई है, टेरिटोरियल आर्मी से जुड़े हैं वो, वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर नहीं गए, कश्मीर में पोस्टिंग मिली है, और इसी दौरान आम्रपाली ग्रुप से जुड़ा उनका विवाद भी राजदीप सामने आया है कि उनकी पत्नी साक्षी सिंह धोनी के नाम पर
पैसे ट्रांसफर हुए आम्रपाली पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है, ईडी की जांच और सब कार्रवाइयों के आदेश दिए हैं। कई लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा है कि धोनी तभी ये सब अपना फौजी बलिदान बैच और ये सब करते हैं जब वो मुसीबत में घिरे होते हैं, क्योंकि अभिनव बिंद्रा भी तो उनके साथ कमीशन हुए थे, वो तो कभी इस चीज का जिक्र नहीं करते। सोशल मीडिया पे ऐसा लिखा जा रहा है। नहीं, ये देखिए, सोशल मीडिया एक और एक जानवर है जिसके बारे में हम बात करेंगे। हर व्यक्ति को वहां एक तरह से कटघरे में रखा जाता है, लेकिन धोनी वाकई मुझे लगता है फौज से उनका लगाव है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से आम्रपाली पूरे प्रकरण में उनका नाम उठ रहा है, जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, उन पर सवाल उठ रहे हैं और मुझे लगता है जवाब देने चाहिए। बिल्कुल, जब आप पब्लिक लाइफ में हैं और इतने बड़े व्यक्ति है, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, आप ब्रांड एम्बेसडर थे, लोगों ने भरोसा किया आपके ब्रांड पे, भरोसा किया है, कम से कम आप भी कहीं ना कहीं जो सवाल अब उठ रहे हैं कि ये बेनामी कंपनी कैसे बने, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट था जो एक पेपर पे केवल बना बगैर स्टैंप वगैरह, इन सब सवालों पर आपको जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है धोनी की छवि को कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है इन सब सवालों से और उनकी विश्वसनीयता पर। आप बड़े क्रिकेटर हैं, आप आर्मी से जुड़ जाइए, अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव्स जो हैं उसका जवाब देने की आपकी जिम्मेदारी होती है। जितना आप बड़ा जाए उतने आपके आप पर सवाल ज्यादा उठेंगे। चलिए, सवाल आपने पूछे इसलिए बढ़ते हैं उन सवालों की तरफ, नेता नगरी के दूसरे सेगमेंट की तरफ, व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू। राजदीप सरदेसाई, पहला सवाल दीपेश कुमार की तरफ से। आपने कहा कि कोर्ट के कुरान बांटने का फैसला आते ही बीजेपी और वीएचपी के लोग जमा हो जाते हैं, कांग्रेस भी तो आ सकती है, कांग्रेस को किसने रोका है, वो क्यों नहीं आती? आपने ऋचा भारती के शब्दों पर सवाल उठाया, नसीहत दी कि गांधी की पुस्तक बांटनी चाहिए, ये नसीहत क्या हिंदू विरोधी बयान देने वाले समाज को भी दी जानी चाहिए? नहीं, मैं हाँ बिल्कुल, गांधी की किताब सबने, जो मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट है, कट्टरवादी है, उसे भी गांधी की किताब दीजिए, उसे खान अब्दुल गफर खान की लाइफ स्टोरी बताइए, और दूसरी तरफ ये जो एक तरह से हिंदू एक्सट्रीमिज्म है, कट्टरवादी गुड़, उनको भी गांधी की किताब दीजिए। मुझे लगता है, मैं इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं कह रहा, मैं इसमें संविधान सबसे सर्वप्रिय है, ऋचा भारती को वही कहिए। ठीक कह रहे हैं आप। सवाल नंबर दो आपके होम स्टेट से है, रोहित शिरस्त ने पूछा है, शिरस्त ने। हाँ, देवेंद्र फडणवीस का पहला टर्म पूरा हो रहा है, हाउ विल यू रेट हिम? क्या वो आगे चलकर प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये मैं नहीं कहूँगा, कौन जानता था 15 साल पहले कि मोदी जी इतने बड़े प्रधानमंत्री बनते देश के, लेकिन फडणवीस ने, ये मानता हूँ, महाराष्ट्र जैसे राज्य में छोटे से ब्राह्मण समाज से आने से, क्योंकि वो मराठा डोमिनेटेड महाराष्ट्र है, वहाँ उन्होंने अपनी पकड़ बना ली है और लोग समझते हैं वो एक युवा नेता की तरह देखते हैं, एक काबिल नेता है, बहुत एनर्जेटिक है और उन्होंने ज़्यादातर कम से कम एक अपनी एक पकड़ बना ली है आज महाराष्ट्र के राजनीति में, ये बहुत बड़ी बात है। भरत नीमरौत ने ये सवाल पूछा, उन्होंने लिखा है आई रियली एंजॉय योर सरकाज़म। अच्छा, उन्होंने पूछा है कि दलबदल कानून को और सख्त कैसे करना चाहिए, क्योंकि तमाशा तो अभी भी चल रहा है हॉर्स ट्रेडिंग का। सिंपल सौरभ, एक बार आप दल बदल ले उस सेशन में, जो जैसे स्पीकर ने कहा है, ना ही आप चुनाव लड़ सकते हैं और ना ही आप मंत्री बन सकते हैं। जब जिस दिन ये मंत्री पद और एक बार फिर इलेक्शन लड़ने का जो लोभ है लोगों में वो बंद हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। आप दल बदलते हैं फिर 5 साल के लिए आप ना मंत्री बन सकते हैं ना ही आप उस पर्टिकुलर असेंबली में एक बार फिर लड़ सकते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फेसबुक पे रामानुज धर ने कहा है कि आपका प्रोग्राम अच्छा है लेकिन मैं राजदीप से NRC पे सहमत नहीं हूँ, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल टूल, इट्स एन एसेंशियल टूल फॉर नॉर्थ ईस्ट सिंस द डेमोग्राफी ऑफ द रीजन हैज ड्रास्टिकली चेंज्ड ओवर द ईयर्स। NRC से किसी को दिक्कत नहीं है, जिस तरह से वो लागू हो रहा है, जिस तरह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जिस तरह से उसमें गलत तरीके से कुछ लोगों को जेल में डाला है, कोई एक तो हमारे आर्मी ऑफिसर थे उनको डाला गया, वहाँ मुझे दिक्कत है। NRC, अगर आप NRC केवल एक समुदाय के विशेष मत करेंगे, विशेष अगर करेंगे और उसका गैर इस्तेमाल करेंगे तो मैं ऑब्जेक्शन लूँगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में किया जा रहा है, करना चाहिए। राजेंद्र वर्मा हैं हमारे व्यूअर, उन्होंने कहा है कि अमित शाह अगर कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं किसी राज्य में और उसका इस्तेमाल करते हैं तो गलत क्या है, सियासत इसी का नाम है। चलो, सियासत इसी का नाम है, यही तो है,
कि यही तो देश की सियासत बदल गई है गांधी नेहरू पटेल बोस के जमाने से और आज के जमाने में। तब विचारधारा की लड़ाई होती थी, अब सत्ता की लड़ाई है। गांधी ने सही कहा था, कांग्रेस मस्ट डिसबैंड और एक गांव में जाकर काम करें, क्योंकि जैसे ही आप सत्ता आपको मिलती है आप पार्टी बन जाते हैं। तो एक जमाने में कांग्रेस करती थी, आज अमित शाह और बीजेपी करते हैं। फिर आप मुझे मत कहिए, ये जो भी है ये मत कहिए, बीजेपी पार्टी भी तो डिफरेंस है, अलग है, कुछ अलग नहीं है, सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। वो दावा तो 19-20 की 19-20 का फर्क है इतना है कि बीजेपी में हिंदुत्व की वजह से, आरएसएस की वजह से पार्टी में अभी भी एक ग्रिप है जो कांग्रेस में नहीं है। नेता नगरी का आखिरी सेगमेंट फुर्सत की सलाह, क्या है सलाह आपकी वीकेंड के लिए, क्या देखें, क्या पढ़ें, कहाँ जाएं? मैं जा रहा हूँ बंगलोर, राजनीति देखने नहीं, लेकिन वहाँ मेरे एक दोस्त के बेटे की शादी है तो मैं वहाँ जाऊँगा। भांगड़ा भांगड़ा करते हैं आप? नहीं, मैं आज से शादी पी के जो चाचा लोग खूब सारी शराब पी के सड़क पे घोड़ी के सामने डांस करते हैं, क्या राजदीप वो करते हैं? सौरभ, दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक जो डांस करते हैं, एक जो थोड़ा ड्रिंक करते हैं। अब आप जान लीजिए मैं किस तरफ हूँ। And any specific shopping list when you go to Bengaluru, like coffee or something? नहीं, ऐसी कोई shopping list नहीं है जब मैं बंगलुरु जाता हूँ, कोई ऐसी shopping list, लेकिन वहाँ की एक जगह है MTR करके, वहाँ जो इडली और डोसा सुबह सुबह मिलता है, वो हो चटनी, तो वहाँ की फैंटेस्टिक चटनी मिलती है। तो अगर आप कहीं कभी बंगलोर चले जाए तो MTR ज़रूर चले जाइए ब्रेकफास्ट, या विद्यार्थी भवन, यहाँ विद्यार्थी भवन में डोसा और MTR में वो चटनी जो घी से भरी हुई होती है, टू गुड। एनी बुक और वॉचिंग यार आजकल रिकमेंडेशन? ये कोई वॉचिंग रिकमेंडेशन, एक मोहम्मद अली पर ये चल रही है नेटफ्लिक्स पर डॉक्यूमेंट्री, जो आई थिंक वी शुड स्टार्ट चार्जिंग नेटफ्लिक्स नाउ। हाँ, मुझे कीप रिकमेंडिंग देयर स्टफ। नहीं, मैं क्या करूँ अब, वही मेरी वाइफ जो मुझे कहती है वो मैं देखता हूँ, उन्होंने कहा ये बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री, मैंने कहा जरूर देखूंगा, क्योंकि मैं अली का बहुत, अली वॉज माई फर्स्ट हीरो। अगर आप मुझे कहें आपके लाइफ में पहले स्पोर्टिंग हीरो कौन थे, एक थे एकनाथ सोलकर। आई थॉट इट वाज दिलीप सरदेसाई। नहीं, मेरे फादर नहीं थे, एकनाथ सोलकर थे, एक बैट्समैन थे और फील्डर, बेस्ट फील्डर इंडिया ने कभी उसके जैसा फील्डर नहीं देखा है, प्री हेलमेट एज में वहां फॉरवर्ड शॉट ले, उस जमाने में ना घास ना, और उसके बाद अगर वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन था तो मोहम्मद अली। तो मेरे रूम में बड़ा एक अली का एक पोस्टर हुआ करता था, तो जब मैंने सुना कि अली पर एक नई पिक्चर ली, मैंने पुरानी भी देखी है, नई पिक्चर, नई डॉक्यूमेंट्री निकली है, तो मैंने कहा जरूर देखूंगा। आप क्या करेंगे? आई जस्ट फिनिश वॉचिंग दिल्ली क्राइम, कमाल की सीरीज है, दिल्ली गैंगरेप के इर्द गिर्द, पर हमें लगा कि वही दिखाया होगा कि गैंगरेप हुआ पकड़ा गया, पर उसकी जो डिटेलिंग है कि पुलिस ऑफिसर्स की आपस के कन्फ्लिक्ट, हमें तो वो खाकी वर्दी वाले सब एक जैसे दिखते हैं, वो बहुत खूबसूरती से लिखी गई, इट्स अ मस्ट वॉच, और आपके भीतर एक ज़रूरी डर पैदा करती है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि हम सुरक्षा अपनाएं, लड़कियां सुरक्षित महसूस करें, वो क्या उपाय अपनाएं, संसद में क्या बहस हो, और पुलिस वाले किन किन चीज़ों से होके गुजरते हैं, क्योंकि हम लोग भी बड़ा आसान होता है उनको ब्लेम कर देना। मैं देख रहा हूँ कि बेस्ट पिक्चर एक ज़माने में बड़े स्क्रीन पे होते थे, अब आपके मोबाइल पर मिलते हैं, मस्ट आप डिजिटल पर मिलते हैं, उसी तरह से पत्रकारिता भी, इसीलिए मैं आता हूँ लल्लन टॉप। आज लल्लन टॉप की पत्रकारिता बाकियों से आगे निकल गई है। थैंक यू सो मच अजीब। और किताब में मेरा रिकमेंडेशन है, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री, इनके ऊपर अंग्रेजी में किताब लिखी है, पिछले दिनों कई बड़े नेता प्रधानमंत्री समेत उसका उद्घाटन करने पहुंचे, दिलचस्प किताब है, और वो किताब भी अभी मेरी चल रही है, बॉटल ऑफ लाइज, कैथरीन की, फैंटास्टिक पिक्चर, वो तो काफी बड़ी है, तो अभी मैं वो उस तरह की पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल है इस देश में। एक और किताब है जिसका मुझे टाइटल याद नहीं आ रहा, जो सोनिया सिंह है जर्नलिस्ट, टीवी जर्नलिस्ट, उन्होंने अपने इंटरव्यूज को कंपाइल किया है, उसमें 10-12 इंटरव्यू हैं सानिया मिर्जा, प्रणब मुखर्जी, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स हैं। चलो, सो दीज थ्री बुक्स आई एम रीडिंग, आप भी पढ़िए, बढ़िया दिलचस्प खाइए, दोस्तों के साथ वक्त बिताइए, और अगर किसी की शादी में जा रहे हों तो शराब पिए ना पिए आपकी मर्जी, सड़क पर जाम ना छलकाइए ना लगाइए। अरे वाह, शुक्रिया। नेता नगरी देखते रहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से अवगत कराते रहिए। थैंक यू।